पैटर्न आएगा देखो फ्रंट और बैक का आंटी मस्त है तुम्हारा हमारी कैन कैन खोल प्रिया का फेस तो मैं सोच रही हूँ हेयर बहुत ऑयली हो गया है और सैटरडे निकालना है सैटरडे को ऐसे हमारे में वॉश नहीं करते तो आज फ्राइडे है टाइम है तो कर लेती हूँ तो इन्हीं का शैम्पू यूज़ करूँगी बट अपना कंडीशनर यूज़ करूँगी तो चलो जल्दी करके आती हूँ। हाय गाइस कैसे हो आप सब सूरत व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। अच्छा बताओ किस किस को शावर लेने का मन नहीं होता बट हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है तो वो इस तरह हेयर वॉश करता है। ऐसे तो मैं बहुत बार करती हूँ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप मेरी तरह करते हो तो। अच्छा अगर मैं कल की व्लॉग की बात करूँ जिसमें मेरे सारे पैसे चोरी हो गए थे मुझे कॉमेंट आया था कि पैसा बताने के लिए बट आई एम सो सॉरी गाइज मैं नहीं बता सकती मेरा कितना चोरी हुआ है और मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि मुझे व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं करा था लेकिन अब शादी की शॉपिंग के लिए गए थे तो हमने कंटिन्यू किया तो यस हम लोग फिर से आ गए थे कपूर में शॉपिंग करने के लिए। हमें आज लहंगा लेना है गाउन्स लेना है मुझे वेडिंग के लिए तो वही मैं दिखा रही हूँ। 150 से चालू कर। मुझे ये वाला लहंगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बट फिर सनशाइन ने बोला कि मेरे पास ऑलरेडी पीच गोल्डन में काफ़ी सारे लहंगे हैं तो उन्होंने बोला तुम इस बार डिफरेंट शेड ही चूज़ करो। एक ये लहंगा था कुछ कुछ रीजनेबल भी थे कुछ कुछ लाइक मुझे एक्सपेंसिव भी लग रहे थे बट उनकी कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है रेडी टू वेयर भी है प्लस स्टिचिंग वाले भी थे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी अभी। ब्लाउज दूसरा पहना ये जो क्यों ये तो अच्छा लग रहा है उल्टा ऐसे प्रॉपर कैसे बनेगा ऐसे तो यस ये एक लहंगा मैंने लिया था जो कि 1295 का था बट डिस्काउंट करके उन्होंने 1000 रुपीज़ में मुझे दे दिया था एंड इसका मैंने प्लाजो पैंट और टॉप और दुपट्टा लिया था मैंने अपने एक फ्रेंड की वेडिंग में रिसेंटली वेयर किया था। सो यस ये वाला एक लहंगा लिया कितना इनएक्सपेंसिव गाइस बहुत ही अच्छा है इसका लहंगा भी बहुत अच्छा लगता है बट मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पर जाना था। हाँ बट एक इशू हुआ क्योंकि लहंगे का जो मटेरियल है थोड़ा सा मोटा टाइप में ब्रोकेड टाइप में है तो इसका प्रॉपर प्लाजो नहीं बन पाया तो इसलिए मैंने उसे कवर अप किया है तो मुझे वेडिंग वाले वीडियो में सब लोग लिख रहे थे कि आपने दुपट्टा अच्छे से नहीं लिया आपने ये क्या पहन लिया बट अब मैं क्या करती एंड मोमेंट पे मुझे उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। एक्चुअली हमें काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा था तो मैंने उनको बोला आप एक साथ ही ढेर सारे लहंगे लेकर आ जाओ और हमें दिखाओ तब हम उसमें से जल्दी जल्दी चूज़ कर लेंगे तो इसलिए अभी वो भैया लेने गए हैं एंड दे वर सो पोलाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शॉपिंग में तो हमारे खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे थे वो लोग। कपूर ने पूरा ख्याल रखा है प्रिया का खाने पीने में करीना कपूर। सो इफ़ यू डोंट नो प्रिया इज़ माई सिस्टर एंड शी वॉज फुल्ली एन्जॉइंग द ट्रिप। वहाँ का केसर दूध या समथिंग ये था विद बादाम एंड ऑल इट वाज सो डैम टेस्टी। ओके जो मैंने पोपटी कलर वाला लहंगा लिया है ना उसमें ये सारे शेड्स थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे लाइक एकदम ही भड़कीले और अलग ही थे तो मैंने पोपटी कलर वाला लिया नियॉन ग्रीन कलर वाला। और आप मानोगे नहीं वहाँ पे 1000 रुपीज़ से लहंगा स्टार्टिंग लाइक ऑफकोर्स मैंने आपको दिखाया ही फिर आंटी को ये लहंगा कुछ पसंद आ रहा था और ब्लाउज ऊपर डाल के दिखाओ ना ऐसे और दुपट्टा वैसे मैं यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी कि आंटी ने कौन सा लहंगा लिया अदरवाइज कुछ सस्पेंस रह ही नहीं जाएगा बट ये एक अच्छा लग रहा था। और भी बहुत सारे लहंगे आप देख सकते हो हम लोग के सामने डिस्प्ले किया हुआ है जो भी हमें लहंगे अच्छे लग रहे थे हम उसे ट्राई भी कर रहे थे तो आंटी को ये अच्छा लगा तो उन्होंने ये ट्राई किया। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये लहंगा आपके सिटी में कितने का मिलेगा आप लोग इसका सिर्फ प्राइस गेस करो तो मैं मान जाऊंगी कि आप लोग कपड़े खरीदने के माहिर हो। एंड हियर कम्स द मिस्टर कपूर हिमसेल्फ और उन्होंने एक बेस्ट पीस निकाला अपने स्टोर का और उन्होंने प्रिया के ऊपर ड्रेप करके दिखाया हमारी कैन कैन खोल प्रिया का फेस दुपट्टा देखो तो कितना प्यारा लग रहा है ना इसका वर्क कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वेलवेट पर बट ऑफकोर्स ये प्रिया के लिए नहीं है ये हम लोग दुल्हन के लिए देखते हैं जैसे लड़के वाले भी दुल्हन को एक लहंगा गिफ्ट करते हैं ना उसके लिए हम लोग देख रहे थे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था दिखाओ ना जो भैया हम लोग को लहंगा वगैरह दिखा रहे थे वो भी बहुत ज्यादा थक गए थे और हम लोग भी देख देख के थक ही गए थे बट उनको दिखाने में ज्यादा एफर्ट्स लग रहा था ऑफकोर्स तो ये लोग ने बोला चलो हम ही लोग अब पहन के दिखाते हैं। कलर कलर है तो ब्लैक
सनशाइन लहंगा पहन के इतना मस्ती कर रहे थे दैट मैं आप सबको क्लिप्स वो डाल भी नहीं सकती, इतना फनी था वो। और ये जो मैंने ब्लैक वाला कोट जैसा पहना ना वो मैंने लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। दे आर टायर्ड, शॉपिंग करते करते सुबह से रात हो जाती है और इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है, लाइक लिटरली वेडिंग शॉपिंग इज नॉट दैट इजी। भैया ब्लाउज दिखाओ, ब्लाउज बैठा है ये कपड़े बहुत अच्छा है। ब्लाउज देखो ये बरबर उनके पता है। देखो ये पैटर्न आएगा, देखो फ्रंट और बैक एकदम अच्छे से बता रहे कि आगे कौन सा पैटर्न आएगा, पीछे कौन सा पैटर्न आएगा, दुपट्टा कैसे लेना है, लहंगा कैसे पहनना है, सब कुछ एकदम अच्छे से बता रहे ये। A few moments later. शॉपिंग करने के बाद बहुत तेज भूख लगी थी तो हम आ गए डिनर करने। चलो फिर स्टार्ट करें। सो आज हम लोग डिनर करने आए हैं बुफे। दिस इज चिकन मंचाओ सूप। हम लोग पियेंगे पिकल पापड़, कुचुम्बर सैलेड, चारकोल चिकन सैलेड। वाओ। नेक्स्ट इज क्रिस्पी चिकन, मंगा लो भाई अच्छा लगे। मुर्ग रेशमी टिक्का, प्रिया आज तो खुश हो जाएगी, मुर्ग रेशमी टिक्का। वाह वाह वाह, थैंक यू। मुर्ग तवा मसाला, बटर चिकन, वी हैव दाल फ्राई एंड जीरा राइस, रोटी नान एंड पराठा, एंड दिस इज पाइप। अरे वाह, मेरे शादी में मिला था आज मिल रही है। Few inches later. तो हमारा शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गया, मैंने लहंगा वगैरह निकल के आ जाओ, सब कुछ ले लिया है। प्रिया कुछ नहीं ले पाया, जो कपड़ा ना लिया लिया बस आज काल का खरीदा थी रोज, अब काल बजे आज खरीद ले। एकदम मैं वर्तमान में जी रही हूँ, मतलब जो आज पहनना पड़े वो ले लो, तब का तब देखल जाए, वो दिन का 30 के पहले 30 के दिन। इतना डिप्रेसिंग हो गया सिचुएशन, वो एकदम आके चिपक गए ऐसे राइट में, जबकि ऋषिद आंटी मेरे पीछे खड़े, ये तो प्रिया जस्ट मेरे बाजू में थी, वो पता नहीं चिपक क्या, भैया ये दिखाओ करने लगी, वही होगी। और वो मुझे उस दुकान में देखी भी जब मैं पैसा दे रही थी, वही वो कौन है, वही तो हम लोग को पूछना है। बुरके लेडी बुरखे में थी वो, और वो इतना चिपक के कैसे निकाली, हाँ और कैसे निकाली, ऐसे दिख रही थी जैसे किसी, और इतना चुपचाप और चली गई वो, अपने एकदम पीछे लेके निकाली होगी, बुरा लग रहा था। अब किसको पकड़ेंगे, इतने लोग हैं वहाँ पे रश। अच्छा जब हम लोग एक स्टॉल पे लिए, फिर जब दूसरे स्टॉल पे गए तो और पीछे वाले स्टॉल पे, बाजू वाले स्टॉल पे बहुत रश हो गया। जैसे ही ऋषित बोला तेरा पर्स बंद कर मैं देख रही हूँ तो अरे मेरा पैसा गायब, तब तो सब लोग ही गायब थे पीछे वाले। एक ये इंसानियत देखो, लोग कुछ दिखा वही तो बोलते कि हर लोग हर मतलब टाइप टाइप के होते हैं दुनिया में, इसलिए एक दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। उसके बाद तो हम लोग ने शॉपिंग वगैरह सब किया, बिकॉज अब आए हैं इतना दूर, अब इतना खर्चा हो ही गया, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं वो जोड़ेंगे तो फिर उधर ही, फिर लहंगा वगैरह लिया हम लोग ने, ड्रेस लिए सब लिए। सही बात है, मेरे जो मैं अगर ये यूट्यूब प्रोफेशन पे नहीं होती तो मैं बताती भी नहीं, बट इसीलिए कि अगर आप कोई भी क्राउडेड एरिया या फिर स्टॉल बेस्ड शॉप्स पे ले रहे हो और लोग क्राउड वाला है तो प्लीज पर्स मोबाइल सब कुछ ध्यान से, बिकॉज ये लोग ब्लेड मार के भी कट करके लेके जाते हैं सामान, पता है जेब काटने वाले, क्या जेब कतरे क्या बोलते हैं इन लोग को, जेब अगर पीछे पैंट में है तो पीछे से ब्लेड मार के काट के और पैसे वैसे निकाल के ले रहे हैं। महंगा हो गया मेरा, मैंने तो लिया दो लिया ना मैंने, और दो एक कोट सूट टाइप था और एक ऐसा ऐसा सब था। आप व्लॉग में आप लहंगा ही क्यों लिया, लहंगा लेने आए थे क्या, पूछा है क्या ऐसा, क्या है लहंगा लहंगा भी बात कर रहे हो, और क्या है किसका है कब है क्यों क्यों
क्यों है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर क्या, मगर जो भी है और कैसे? अच्छा है, हाँ ठीक है। तो आंटी कैसा लगा आज का शॉपिंग? अच्छा था और बुरा भी था। ओ तो था, जैसे ही रिशद ने कहा ना कि अरे तू पहले तो तेरा चैन बनकर, यही वाला मेरा पर्स था, ठीक है इसमें, और सिर्फ पैसे तो लिप ग्लॉसेस थे, लिप ग्लॉस तो छोड़ दिया, पैसे लेके गए, गड्ढे थे पूरा। मैं रोने लगी वहाँ पे बिकॉज थोड़ा एकदम हिट हुआ और मैं रो, तो आंटी भी एकदम सैड हो गई थी, आंटी भी बेचारी एकदम सैड हो गई थी कि अरे यार क्या, जितना हम लोग सोचे कि सूरत में आके अपनी शॉपिंग होगी लेस में ये वो, तो वो उतना ही पनौती था, ऐसे तो नहीं बोल सकते, बट क्या करूँ, कुछ ना कुछ बोल के तो खुद को तसल्ली देना पड़ेगा। चलो शॉपिंग तो हो गई हमारी, काफ़ी अच्छी हो गई। कल एक रिकमेंडेशन आया है, कल संडे है तो हमारे पास हाफ डे रहेगा, कल चेकआउट है हमारा होटल का, तो 11 के बाद हम लोग 2-4 बजे तक शॉपिंग कर सकते हैं। तो चौथा बाज़ार किसी ने बताया, वो भी लाल गेट के इधर ही है और वो भी ऐसे क्राउडेड और थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग टाइप है, तो वहाँ तो सब लोगों ने बोला एकदम ही सतर्क रहना है एंड ऑल दैट, सब कुछ इंस्ट्रक्शन तो मिले हैं, बट ठीक है, तो कल वहाँ जाने वाले हैं। बट यस, आज का व्लॉग ऐसा रहा, आई होप आप सबने इन्जॉय किया है, आप लोग को नॉलेज भी मिल रहा होगा। लाइक हम लोग ने, मैं वेडिंग में गई थी, हाँ वेडिंग में गई तो बहुत ही एक्सपेंसिव था, 8,000 से साड़ी स्टार्टिंग और 7,000 से स्ट्रेट कट ड्रेस, तो इतना हम लोग को नहीं, हम लोग को एक नहीं लेना है, 15-20 ड्रेसेस लेना है, तो इस वजह से उधर नहीं लिया हमने। वेडिंग के बाजू में एक और शोरूम था, वो भी उतना एक्सपेंसिव था, उसके सामने थोड़ा सा आगे में थोड़े स्टोर्स वगैरह है जो कि रीज़नेबल ही था, ठीक ठाक। और बाद में जो मैंने आपको ये जो स्टोर दिखाया जहाँ से हमारा चोरी हुआ पैसा, उसके पहले हमने एक स्टोर से शगुन करके नाम था, उधर से हमने काफ़ी सारे ड्रेसेस लिए, तो काफ़ी अच्छा, लाइक मुंबई के प्राइजेस ही थे, अच्छे मिल गए कलेक्शन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अभी हम लोग ने अपना पूरा पार्सल खोला है, चेक करेंगे क्या क्या है, क्या है। रात में हम ऐसे ही फ्री बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना पार्सल्स वापस चेक कर लेते हैं कि क्या ले लिया है और क्या लेना बाकी है। The next day. Hi guys, so today is day 3 in Surat and आज चेकआउट डे है, तो अभी कुछ 1:30 हो रहा है, तो हम लोग चेकआउट करने वाले हैं और थोड़े थोड़े इससे प्लान्स है, देखते हैं क्या होता है, अगर वो एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं। थोड़ा सा हमने बात किया तो ठीक है, इट्स फाइन, जो भी हुआ कल, जो भी होता है बुरा हमारा, वो कुछ होना होता है बड़ा, तो इसके लिए गॉड अपना छोटी चीज़ में करके उसको निपटा देता है, तो ये सब समझ के हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आज शॉपिंग तो करना था चौटा बाज़ार में, एक किसी ने सजेस्ट किया, तो उधर लेसेस है, फैब्रिक्स है और ऐसे सब बैंगल्स और क्या बोलते हैं शूज़ वगैरह सब कुछ बोले थे मिलेगा, बट वी आर री थिंकिंग अबाउट गोइंग टू दैट प्लेस बिकॉज अब हमारे पास फ़ोन ही है, इतने एक्सपेंसिव है कि अगर किसी ने ब्लेड ब्लेड मार दिया तो डर लग रहा है बेसिकली। यू नेवर नो कि कभी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जब हम शॉपिंग करेंगे तो हम इधर अलर्ट रहे या फिर अपने शॉपिंग में ध्यान दें, ऐसा एक चीज़ हो जाता है, बट वॉट एवर, तो हम लोग रीथिंक करेंगे, लेट्स सी। बट अभी फिलहाल क्या हुआ, कल कपूर से आंटी ने गलती से एक नीले कलर की बैग जो हम लोग ने बाहर, तो कपूर के बाहर एक VTM मार्केट है, ठीक है, PTM है शायद, पद्मावती टेक्सटाइल मार्केट, जो टेक्सटाइल है और वहाँ पे ढेर सारे कलेक्शन के, मतलब सब एक सारी 12-12 पीसेस ऐसे, और वहाँ पे होलसेल चलता है, लेकिन हम लोग वहाँ पे गए, एक एक पीसेस हम लोग ने लिए, तो एक साड़ी 750, कुछ कुछ 300, इतने इनएक्सपेंसिव बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो हमने 7-8 साड़ीज वहाँ से भी लिए हैं। तो वो जो ब्लू बैग में था वो हमने बाहर रखा था कपूर में, और आंटी को लगा जब हम लोग निकलने लगे वहाँ से, तो आंटी ने एक ब्लू बैग उठा लिया, तो आज उसी को एक्सचेंज करना है, उनका ब्लू बैग उनको देना है, हमारा वहीं पर है तो वो हमें लेना है, तो ये करना है, तो इसके लिए कपूर फिर से जाना है। देखूंगी अगर कुछ नया आया होगा तो ऑफकोर्स आई विल पिक समथिंग, बट इट्स लिटरली बेस्ट। अगर आपको एक दो चीज़ लेना है तो ऑफकोर्स आप अपने जहाँ रहते हो सिटी से ले सकते हो, बट अगर आपको ढेर सारी वेडिंग शॉपिंग करना है तो आप डेफिनेटली कपूर आ सकते हो। तो आज अभी हम लोग निकलने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारे सामान चले गए, इतने सारे बैग्स हो गए, गॉड आई थिंक नियरली 8-10 वाइट जम्बो बैग्स हो गया, बड़े बड़े वाले, तो वो अभी वो लोग गए हैं एडजस्ट करने, कैसे भी अब डिक्की में आए या ना आए आई डोंट नो, वो लोग करेंगे, हमारे छोटे छोटे बैग्स हैं वो हम लोग पैर के नीचे ले लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो चलो चलते हैं, बातों से ज़्यादा चलो मैं आपको एक्शन में दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो आर वी गाइस रेडी? यस बाय बाय ऑरेंज, बाय, कार्ड ले लिए,
पीछे सब सामान आ गया। ओ भाई ये सामान आ गया, मैं भी आ गया। तो गाइस इतना सब कुछ हमने सूरत के शॉपिंग किया, नजर ना लगे नहीं आया आई आई कपड़ा ना तभी नीचे। सक्सेसफुल लगेज पूरा आ गया, मैंने आप सबको दिखाया है और अभी हम लोग खुशी है सर पे गिर रहे हैं मतलब ऊपर वो देखो ऊपर देखो कितना सारा अच्छा सामान है और मेरा वाला कहाँ रखा तुम लोग ने जिसमें मैंने कौन सा जो मैंने झोला लेकर आई थी कौन सा झोला जिसमें चाय वाय का सब कुछ रखी थी प्रोटीन वोटीन का बैग रखे ऐसे जो ऐसे रखे हाँ स्क्वायर में। गणपति बप्पा जय बजरंग बली की जय। जय बजरंग बली जयकारा शेर वाली दा बोले साचे दरबार की जय। जय माता रानी भजन नहीं मतलब सारे हर हर महादेव। 16108 लोगों की ताकत देख लो। कौन सा बोल बोला वो बता रहा है ये रिकॉर्ड कर रहे हो कोठी बड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भैया ना कोई ढाई अक्षर जो प्रेम का पढ़े सो पंडित होए कौन मंत्र रहा भाई ढाई 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 कह के 7-8 अक्षर पढ़ ले लेट्स गो बाय बाय सूरज। मतलब ईश्वर ही जितना शॉपिंग हो गया वो तो हो गया ठीक है बट हो गया पूरा जनवरी में अगर एक बार चाहिए तो इवेंट के पहले 10 तक कोई 3 जन आके क्या लेना है शॉपिंग कर लेंगे ट्रेन से आएंगे होटल रूम में रुकेंगे। मस्त हम लोग ले लेंगे बाय बाय सूरत निकल के गाइस हम लोग फ्रॉम मुंबई। अच्छा मैंने आप सबको बताया कि हम लोग चौटास में शॉपिंग करने जाने वाले थे बट वी कैंसल द प्लान बिकॉज वो भी स्ट्रीट शॉपिंग ही था और वो भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है सो वी डिडंट वांटेड टू टेक रिस्क तो हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया। ओह गॉड कितना धूप है लाइक अंदर तो पता नहीं चलता बट बहुत धूप है। तो वी आर एट काठियावाड़ी विलेज बोल भी नहीं पा रहे हैं आए हैं खाना खाने के लिए। व्हाट्स द टाइम 2 बज रहा होगा ना 2 बज रहा है लेट्स गो एंड हैव सम लंच। सो हैप्पी कि हमारी शॉपिंग बहुत अच्छे से हो गई। टुडे आई एम गोइंग टू हैव काठियावाड़ी फूड सो दिस इज दही तिखारा। मुझे लग रहा है कढ़ी में दही डाल दिया ऐसे समथिंग कुछ दाल तड़का दही तिखारा ये क्या है नरगिसी कोफ्ता काठियावाड़ी तवा वेज वेज चीज नान दे दो इसमें इसे चीज गार्लिक नान जो सुपर डिलीशियस रोटी ना घी लगाया इसमें वाह एंड भिंडी मसाला काठियावाड़ी विलेज से खाना खा लिया है अब हम लोग जा रहे हैं घर। मुंबई जाके बहुत सारे काम है वापस हम लोग घर जा रहे हैं वेरी एक्साइटेड। तेरी मर्जी सोनिए हम तुझको उठा कर ले जाएंगे चाय कुल्हड़ ढाबा। Coffee time. Order here. Hello. 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 Plain colored mojito. वो बंद है क्या? नहीं चालू है. वो कोई बात नहीं.
A few moments later. Guys, I was in Surat and now I'm at my home. Bello, come here. Yay, मेरे बच्चे. मैंने तो change कर लिया भाई. हम लोग 5 hours में आ गए मुंबई. हम लोग ने. We are in Mumbai again at home. Yay, ये देखो अपने घर के कपड़े में. दोनों इतने जल्लोस हैं ना. ये गले में क्या ढूंढ रही है? गरम हो. हेलो जल्दी पिट्टी बेलू पिट्टी हो जाएगी.